वेलकम टू स्कूल ऑफ स्टडीज इंफिनिटी आज हम 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 लोग 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 करने वाले हैं चैप्टर चैप्टर में में करेंगे दस सर्कल सर्कल और और ये हमारा लेक्चर लेक्चर फिफ्थ है और इस में हम देखेंगे इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस बाय बहुत ही के में। स्टार्ट करते हैं अपना

मेड ऑन द एक्सिस मेड ऑन द एक्सिस मेड ऑन द एक्सिस बाई द सर्कल हुज इक्वेशन इज बाय द सर्कल हुज इक्वेशन इज हुज इक्वेशन इज इक्वेशन क्या है सर्कल का ए एक्स स्क्वायर प्लस देखिए कॉफिशियंट सेम है एक्स का प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेप्ट करेगा अगर एक्सिस को तो क्या कंडीशन बन के आएगा ये देखना है हमें ठीक है चलिए uh, हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे ठीक है सो ये हमारा एक्स वाई सर्किल हो गया ड्रॉ ओके एक्स वाई एक्सिस हो गया इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस और इसे हम वाई एक्सिस साथ में हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं ठीक है सर्किल को ड्रॉ करते हैं देखिए ध्यान से आपके पास सर्किल भी आ जाएगा ठीक है और सर्किल जो है हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है एक मिनट इस तरह से सर्किल हम ले लेते हैं ठीक है ये सर्किल हो गया सो so, इस सर्किल ये जो सर्किल है ये हमारा ओरिजिन हो गया ठीक है ये हमारा ओरिजिन हो गया अब ये जो सर्किल हमने जो ड्रॉ किया ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कर सकते हैं सेकंड में भी थर्ड में भी बट हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करके देखते हैं और इसी से स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग निकालेंगे तो सर्किल जो है एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट करेगा सपोज दिस पॉइंट इज ए वन एंड दिस पॉइंट इज ए टू ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वाई एक्सिस को कहा कट करेगा दिस पॉइंट इज बी वन एंड दिस पॉइंट इज बी टू ओके ये पॉइंट हो गया सर्किल का कट करने का अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स एक्वायर प्लस बी एक्स सॉरी ए वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लेकिन जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो उस समय जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ए वन और ए टू उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जीरो तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस सी क्योंकि वाई वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं वन ठीक है और इसी को लेके हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं अब देखिए ये एक एक प्लस टू जी एक्स प्लस सी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है है ठीक अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के कारण इसके दो रूट होंगे या एक रूट होंगे या इमेजनरी रूट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ ए एंड जी मतलब ए जी और सी के हिसाब से इसका रूट्स रियल होगा या इमेज बहरहाल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं तो क्वालिटी के क्वेश्चन के दो रूट होते समय माइनस टू जी ओवर ए लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट को लिख सकते हैं एक्स वन इन एक्स टू और ये होता है सी ओवर ए सो वी कैन राइट हियर सी ओवर ए कॉन्स्टेंट टर्म सी है ही और ए है ही सो so, क्या हमारे पास एक एक्स वन माइनस एक्स टू को हम लोग निकाल सकते हैं यस yes, निकाल सकते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटीज है इस आइडेंटिटीज को ध्यान से देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं सो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन इंट एक्स टू राइट आगे चलते हैं सो वी कैन राइट फर्द हेयर एक्स वन प्लस एक्स टू दैट इज द सम ऑफ रूट इज माइनस टू जी ओवर ए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स वन इंटू एक्स टू एच सी ओवर ए सो वी कैन राइटर सी ओवर ए आगे चलते हैं सो वी कैन राइट हेयर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क् माइनस फोर सी ओवर ए ठीक है सो so यहाँ से ये चीज हो जाएगा हमारा एल्शियम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सो वी हैव फोर जी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ध्यान से देखेंगे ठीक है सो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज टू टेकन एज कॉमन टू को हम लोग कॉमन ले लेते हैं बचेगा क्या जी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर ठीक है हम लोग हम लोगों ने ये ले लिया सो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Twice of g g square square, square minus AC divided by a square. So, X1 minus minus a a by so is equal to 2 over a under root देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस या और माइनस साइन लेंगे जनरली लेते हैं लेकिन एक्स वन माइनस एक्स टू क्या डिफरेंस इन द रूट तो यहाँ पे

एक्स वन एक्स टू अगर ये किस पे डिपेंड करेगा जी स्क्वायर माइनस ए सी पे दोनों रूट इसका मतलब है कि इफ जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी इसका मतलब क्या है रूट्स आर रियल इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो है एक्स 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 को दो पॉइंट पे कट करेगा ठीक है दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा इफ जी स्क्वायर इज लेस देन ए सी ठीक है इसका मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी इमेजिनरी इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल जो है नो कट नो कट ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा अगर जी स्क्वायर लेस देन ए सी होगा तो. तो अगर आपके पास इक्वेशन है जनरल इक्वेशन और रिजल्ट आप फाइंड देख सकते हैं जी स्क्वायर को कंपेयर कर सकते हैं ए सी से अगर ज्यादा होगा तो रूट्स क्या होगा दो जगह पे कट करेगा अगर जी स्क्वायर ए सी से कम होगा तो वो एक्स uh, एक्सिस को कट नहीं करेगा अगर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है तो वन रूट होगा ठीक है वन वन होगा होगा और जब होगा, तो जो सर्कल है टच द एक्स एक्सिस एक्सिस को टच करेगा राइट <coughs> राइट right? right? समझ में आ गया ये चीज हो गया हमारा जब एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे अगर सर्किल क्या कर रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है तो ओके नाउ सी अगर यहाँ पे एक कंडीशन और आता है इफ रूट्स आर अपोजिट इन साइन मतलब कि जो सर्कल कट किया एक्स एक्सिस को कुछ इस तरह से अगर कट करता है जिससे कि एक कट जो है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में आता है और एक कट पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में आता तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है डेट इज एक्स वन इंटू एक्स टू मस्ट बी निगेटिव एक्स वन इंटू एक्स टू मस्ट बी निगेटिव अपोजिट साइड में इसका मतलब है सी ओवर ए मस्ट बी निगेटिव सी डिवाइड बाई ए क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं चूंकि ए पॉजिटिव है तो सी मस्ट बी निगेटिव सी क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए राइट तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि अगर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो सर्किल जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा अगर जी स्क्वायर इज लेस देन ए सी है तो सर्किल एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ना कट करेगा अगर जी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी है तो सर्कल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा अब सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं वाई एक्सिस के लिए तो वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा

और सेम चीज आएगा और फाइनली हमारे पास जो वाई वन माइनस वाई टू आएगा दैट इज बी वन बी टू ध्यान से देखेंगे बी वन एंड बी टू आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं यहाँ से सेम सेम से तरीके से चलेंगे सो टू ओवर ए जी के जगह क्या आ जाएगा हमारा एफ स्क्वायर सो टू ओवर ए अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस ए सी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा बस जी के जगह एफ आ जाएगा और अगेन सेम कंडीशन आएगा कि वाई स्क्वायर अगर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो वाई एक्सिस को क्या करेगा एक्सिस को टच करेगा ठीक है टच करेगा ठीक है अगर एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी है तो वाई uh, एक्सिस को कट करेगा एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ठीक है डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर एफ स्क्वायर इज लेस देन ए सी है तो वाई एक्सिस को ना तो टच करेगा नो कट नो कट और नो टच यहाँ पे नो no कट ही कर देते हैं कहीं पे भी वाई एक्सिस को ये ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा ओके okay, और सिमिलरली अगेन यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो सी ओवर ए आएगा अगेन दैट इज बी वन इंटू बी टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सी ओवर ए अगर ये वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से होता है कि ये जो कट होता है वाई एक्सिस में अपोजिट साइड होता है ओरिजिन का तो ये मस्ट भी निगेटिव क्योंकि ए ग्रेटर जीरो है तो सी मस्ट भी निगेटिव होगा राइट right, अगर साइन अपोजिट साइड में कट करेगा तो ये इंटरसेप्ट uh, हो गया हमारे पास किसका सर्किल का ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने यूज किया और एक प्यारा सा जो हमारा ये क्या है इसे हम कहते हैं आइडेंटिटीज़ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इसे यूज़ किया और बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा कि किस कंडीशन में सर्किल एक्सिस ऑफ एक्स को टच करेगा या एक्सिस ऑफ वाई को टच करेगा या फिर हम लेंथ भी निकाल सकते हैं डेट इज एक्स वन माइनस एक्स टू या वाई वन माइनस वाई टू रूट्स का तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है बट बहुत ही किफ़ायती लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा देखें कंटेंट को शेयर करें जरूर और पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे दो एग्जाम्पल करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का इसके बाद एक स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हैव अ नाइस डे जय हिंद हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज टू इंफिनिटी आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर एट चैप्टर एट में हम लोग करेंगे द सर्कल और ये हमारा लेक्चर फिफ्थ है और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस बाय सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट बाई है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है आईआईटी आई के एग्जामिनेशन में चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना इससे पहले कि लेक्चर स्टार्ट करूं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मैं दिवाकर भगत आपको अपने यूट्यूब चैनल राम स्कूल ऑफ स्टडीज में स्वागत करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें कंटेंट को पूरा देखें रिक्वेस्ट है कि कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं चलिए जी स्टार्ट करते हैं सो so, यहां पे इंटरसेप्ट जो टॉपिक है इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस मेड ऑन

प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ, इंटरसेप्ट करेगा अगर एक्सिस को तो क्या कंडीशन बन के आएगा ये देखना है हमें ठीक है चलिए किस आ, हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे ठीक है तो ये हमारा एक्स वाई सर्किल हो गया ड्रा ओके एक्स वाई एक्सिस हो गया इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस और इसे हम वाई एक्सिस साथ में हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं ठीक है सर्किल को ड्रॉ करते हैं देखिए ध्यान से आपके पास सर्किल भी आ जाएगा ठीक है और सर्किल uh, जो है हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि uh, 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 इससे क्या होगा कि आपको अच्छा से सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है एक मिनट इस तरह से सर्किल हम ले लेते हैं ठीक है थीके? ये सर्किल हो गया सो so, इस सर्किल ये जो सर्किल है ये हमारा ओरिजिन हो गया ठीक है ये हमारा ओरिजिन हो गया अब ये जो सर्किल हमने जो ड्रॉ किया ठीक है फर्स्ट क्वार में भी कर सकते हैं सेकेंड में भी थर्ड में भी बट हमें फर्स्ट क्वारेंट में ही करके देखते हैं और इसी से स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग निकालेंगे तो सर्किल जो है एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट करेगा सपोज दिस पॉइंट इज ए वन एंड दिस पॉइंट इज ए टू ध्यान से देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है

हमारे पास एक आइडेंटिटीज है इस आइडेंटिटीज को ध्यान से देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं सो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कैन बी रिटेन एज एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन इंटू एक्स टू राइट आगे चलते हैं सो वी कैन राइट फर्द एक्स वन प्लस एक्स टू डेट इज़ द सम ऑफ रूट इज माइनस टू जी ओवर ए इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर प्रोडक्ट ऑफ रूट एक्स वन इंटू एक्स टू इज सी ओवर ए सो वी कैन राइट हेयर सी ओवर ए आगे चलते हैं सो वी कैन राइट हेयर एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस फोर सी ओवर ए ठीक है सो so, यहां से ये चीज हो जाएगा हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सो वी हैव फोर जी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ध्यान से देखेंगे ठीक है सो so, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्न बी रिटर्न एज टेकन एज कॉमन टू को हम लोग कॉमन ले लेते हैं बचेगा क्या जी लोगों ने ये ले लिया सो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर सो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू टू ओवर ए अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस या और माइनस साइन लेंगे जनरली लेते हैं लेकिन एक्स वन माइनस एक्स टू क्या है डिफरेंस इन द रूट तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस इन द कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नीट सो टू ओवर ए अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नाउ सी हेयर एक्स वन एक्स टू अगर हम आ, यहाँ पे देखें देखिएट क्या हो जाएगा, X1, का जाएगा? X2, ठीक है तो एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू टू ओवर ए अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी डेट इज वी हैव एक्स वन एक्स टू इज ए वन

इसका मतलब क्या है कि सर्कल जो है एक्स 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 को दो पॉइंट पे कट करेगा ठीक है दूसरा कंडीशन क्या जाएगा इफ जी स्क्वायर इज लेस देन ठीक है इसका मतलब है रूट्स आर इमेजनरी इमेजनरी इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल जो है नो कट नो कट ऑन एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा अगर less than AC होगा तो, तो अगर आपके पास इक्वेशन है equation, और result आप find देख सकते हैं, को कर सकते हैं को कर ए सी से अगर ज्यादा होगा तो रूट्स क्या होगा दो जगह पे कट करेगा अगर जी ए स्क्वायर ए सी से कम होगा तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा अगर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है तो वन रूट होगा ठीक है one, रूट्स होगा और जब वन रूट्स होगा तो जो सर्कल है टच द एक्स एक्स एक्सिस एक्सिस को टच करेगा राइट राइट समझ चीज हो गया हमारा जब एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें एक्स एक्सिस पे अगर सर्किल क्या कर रहा है इंटरसेप्ट कर रहा है तो ओके नाउ सी हियर अगर यहां एक कंडीशन और आता है इफ रूट आर अपोजिट इन साइन मतलब कि जो सर्कल कट किया एक्स एक्सिस को कुछ इस तरह से अगर कट करता है जिससे कि एक कट जो है निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में आता है और एक कट पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में आता है तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है डेट इज एक्स वन इंटू एक्स टू मस्ट बी निगेटिव एक्स वन इंटू एक्स टू मस्ट बी निगेटिव अपोजिट साइड में इसका मतलब है सी ओवर ए मस्ट बी निगेटिव सी डिवाइड बाई ए क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं चूंकि ए पॉजिटिव है तो सी मस्ट बी निगेटिव सी क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए राइट right? तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि अगर जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो सर्किल जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा अगर जी स्क्वायर इज लेस देन ए सी है तो सर्किल एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ना कट करेगा अगर जी स्क्वायर ग्रेटर देन ए सी है तो सर्कल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा अब सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं वाई एक्सिस के लिए तो वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा

और सेम चीज आएगा और फाइनली हमारे पास जो वाई वन माइनस वाई टू आएगा दैट इज बी वन बी टू ध्यान से देखेंगे बी वन एंड बी टू आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं यहाँ से सेम सेम से, से, से तरीके से चलेंगे सो टू ओवर ए जी के जगह क्या आ जाएगा हमारा एफ स्क्वायर सो टू ओवर ए अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस ए सी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा बस जी के जगह एफ आ जाएगा और अगेन सेम कंडीशन आएगा वाई स्क्वायर अगर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है तो वाई एक्सिस को क्या करेगा एक्सिस को टच करेगा ठीक है टच करेगा ठीक है अगर एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए सी है तो वाई uh, एक्सिस को कट करेगा एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर एफ स्क्वायर इज लेस देन ए सी है तो वाई एक्सिस को ना तो टच करेगा नो कट नो कट और नो टच यहाँ पे नो no कट ही कर देते हैं कहीं पे भी वाई एक्सिस को ये ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा ओके okay? और सिमिलरली अगेन यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा वो सी ओवर ए आएगा अगेन दैट इज बी वन इंटू बी टू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू सी ओवर ए अगर ये वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से होता है कि ये जो कट होता है वाई एक्सिस में अपोजिट साइड होता है ओरिजिन का तो ये मस्ट भी निगेटिव चूंकि ए गेट रेन जीरो सी मस्ट भी निगेटिव होगा राइट right, अगर साइन अपोजिट साइड में कट करेगा तो ये इंटरसेप्ट हो गया हमारे पास किसका सर्किल का ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने यूज किया और एक प्यारा सा जो हमारा ये क्या है इसे हम कहते हैं आइडेंटिटीज एलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसे यूज किया और बहुत ही शानदार तरीके से हमने देखा कि किस कंडीशन में सर्किल एक्सिस ऑफ एक्स को टच करेगा या एक्सिस ऑफ वाई को टच करेगा या फिर हम लेंथ भी निकाल सकते हैं डेट इज एक्स वन माइनस एक्स टू या वाई वन माइनस वाई टू रूट्स का तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है बट बहुत ही किफ़ायती लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा देखें कंटेंट को शेयर करें जरूर और पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे दो एग्जाम्पल करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हैवे नाइस डे जय हिंद